कैसे नादिया आई थी, पहले से गपूड़ी थी, गप्पे अच्छी मारती थी, लेकिन कैसे फील्ड में एंटर हुई थी? यार एनटीएम होता था, पीटीवी पे मैंने ऑडिशन दिया था, बच्चे कितने अच्छे, उस पर मैं रिजेक्ट हो गई थी. अच्छा. हाँ, कि आपकी उर्दू ठीक नहीं है, आप बहुत अंग्रेजी स्टाइल में उर्दू बोलते, समय शो ही मारते थे ना, एक्सेंट बना बना के. तो वहाँ रिजेक्ट हो गए. एनटीएम शुरू हुआ चैनल, उस पर मेरा कज़न काम करता था. अच्छा. तो मैं कोई पता नहीं कोई कंपटीशन हुआ था, उसमें फ्रिज जीती थी और डॉल हाउस जीती थी. अच्छा. हाँ, वो फ़ोन पे सवाल पूछ रहे थे तो वो जीत गए. तो मैं वहाँ गई भी थी अब्बा के साथ, और वहाँ उन्होंने राशिद ख्वाजा ने देखा, उन्होंने कहा कि यार इसको बच्ची बड़ी अच्छी है, इसको अभी पटाखा पटाखा लगी हुई थी अपनी बातें करने. वो कहने बड़ी अच्छी, इसको कुछ शो करना चाहिए. मेरे कज़न ने मना कर दिया कि हमारी फैमिली में लड़कियां काम नहीं करती हैं स्क्रीन पे. हाँ, क्योंकि आपकी फैमिली में और कोई था भी नहीं कभी पहले. तो वो उन्होंने आके अब्बा से कहा. मैं कह नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं है. तो मेरे कज़न, आपको शौक था कभी शीशे में खड़े होकर नादिया दुपट्टे ओढ़ रही है और ये सारी? बहुत ज़्यादा शदीद आवाज़ें रिकॉर्ड करना, कैसेट कहानी सुनना, हर ऑडियो कैसेट जो मेरे घर में थी ना उसमें बीचों मेरी आवाज़ आ जाती थी. वो एक जमाना था जब रिकॉर्डिंग करते थे हम लोग, रिकॉर्डिंग करते थे ना, तो वो उस पे कैसेट प्लेयर पे मैं अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करती थी, हर फिल्म देख के डायलॉग्स बोलती थी. मतलब लोग कहते थे कि अम्मी से के दम दरूद कराएं इस पे, ठीक नहीं बच्ची. तो जो मूवी देखनी उसके डायलॉग्स, खैर वो तो एक था, आई वॉज नॉट नॉर्मल तो क्या, बट ऑर्डिनरी नहीं था. हाँ. मेरा था नहीं कभी, मैं जो लगता था तो अगर पांच लोगों में नादिया बैठी है तो नजर आ जाती थी कि भाई ये. हाँ, आई वॉज वेरी बोल्ड एंड आई वॉज एक्सप्रेसिव. मतलब हम एक जगह वो पिंडी क्लब में डांस कंपटीशन ईद पे हुआ तो कोई बच्ची नहीं उठी, सब लड़के उठे थे छोटे, मैं उठी थी. हाँ. मैंने डांस किया वन वे टिकट पे. हाँ. और वे टिकट. हाँ, वो भी था टार्जन बॉय भी था, जंगल बॉय, अजीब अजीब गाने लड़कों वाले उस पे. और वो लड़के ना, माए आके ना हटा के हटा रही थी, बेटा हट जाओ ये कोई बच्ची सही नहीं है. लेकिन मुझे अच्छा लगता था, आई वॉज एक्सप्रेसिव. मैं क्या करूँ, पिंडी में 90s 80s में बड़े होना ना बहुत कंजर्वेटिव टाइम्स थे. तो बट आई वॉज लाइक दैट. तो खैर एनीवेज, इजाजत मिली फिर अब्बू से. हाँ, अब्बा से. अब्बा ने कहा हाँ ओके है. फैमिली में थोड़ा सा हुआ भी था भड्डा कि नहीं वही वाली बात के रिश्ते नहीं आएंगे, शादी नहीं होगी चीज़ें. तो बट अब्बा वॉज फाइन, अब्बा ने बहुत सपोर्ट किया कि नहीं ये करने दो. गोल्फ भी खेलती थी जमाने में, अब्बा ने कहा गोल्फ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए. अब्बा को अच्छा लगता था नादिया गोल्फ खेलती थी तो? बहुत ज्यादा शदीद. मुझे नहीं इतना पसंद था जितना उनको शौक था.